नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है, मैं हूँ विपुल सिंह। और हमने देखा कि पहले बाजार ने नया हाई बनाया और उसके बाद से उसी दिन हमने देखा परसों कि उसके बाद से गिरावट देखने को मिली बाज़ार में। आज थोड़ा कंसोलिडेशन के मूड में शुरुआती एक दो घंटे तक बाज़ार था, लेकिन अब उस दायरे को तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, अभी से थोड़ी देर पहले जो इंट्राडे हाई बना है वो है 22,706, 22,707 का। और अभी हम देख रहे हैं करीब करीब 80 अंकों की मजबूती अब निफ्टी में आती हुई, 22,684। ये आज का दिन का उच्चतम स्तर है। आज जहाँ से सहारा मिल रहा है उसमें हम देख रहे हैं पीएसयू पावर शेयरों में काफ़ी शानदार मजबूती देखने को मिल रही है। पीएसयू शेयरों में क्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं कि आज अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो पूरी तरीके से जो है वो बुल्स का कब्जा दिखाई दे रहा है। 1,363 शेयर ऐसे हैं एनएससी पर जिसमें कि मजबूती देखने को मिल रही है। करीब 1,086 शेयरों में हम देख रहे हैं कि दबाव देखने को मिल रहा है। आज 140 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने अपने 52 हफ्ते का नया उच्चतम स्तर बनाया है और 11 शेयरों ने 52 हफ्ते का न्यूनतम स्तर बनाया है। 107 शेयरों में अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। तो ये स्थिति इस समय के बाजार की देखने को मिल रही है। आज ऑटो शेयरों में भी अच्छी खासी खरीदारी है। जिस तरीके से अप्रैल के नंबर आए हैं वो काफ़ी इंकरेजिंग है और इसके चलते हम देख रहे हैं बजाज ऑटो, M&M जैसे शेयरों में काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ा सवाल वही कि अब बाज़ार यहाँ से और रफ्तार पकड़ेगा, बाज़ार में रणनीति कैसी बनाई जाए, शेयरों को चुना कैसे जाए। और आपके सवालों के जवाब तो होंगे ही होंगे, साथ ही खबरों वाले शेयरों में बदिंग स्टॉक्स पर बातचीत करेंगे। तो लगातार हमारे साथ आप बने रहिए। और सबसे पहले आपको रूबरू करा देते हैं आज के खास मेहमान से। हमारे साथ मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री जुड़ चुके हैं। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस कार्यक्रम में हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। सबसे पहले बाज़ार पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे। परसों सर हमने देखा कि एक नया उच्चतम स्तर बनता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद से ही ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन जैसा माहौल काफ़ी देर तक रहा, अब थोड़ी सी बढ़त लोअर लेवल से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप कैसे देख रहे हैं आज के बाजार को और आने वाली दिशा कैसे दिखाई दे रही है? गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए, मुझे लगा है थोड़ा मार्केट में कॉशियस रहने के लिए अभी अच्छे लेवल्स आ चुके हैं, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है। थोड़े ओवरऑल जो पोजीशनिंग है वो थोड़ी ओवरबॉट मुझे नजर आ रही है, तो यहाँ से एक करेक्शन हो सकता है मार्केट में आपको अगेन देखने को मिले। ऐसा नहीं कह रहा कि मार्केट वन साइड आपको क्रैक होता हुआ नजर आएगा, पर एक राउंड ऑफ करेक्शन जरूर देखने को मिल सकता है। 22,700 ये एक रेजिस्टेंस वाला जोन है, उसी के आसपास मार्केट आ चुका है। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहे, निफ्टी या बैंक निफ्टी या किसी भी एफ एंड ओ में आपका अगर आपकी पोजीशंस है तो थोड़ा पोजीशंस को या तो हल्का रखें या फिर अपनी पोजीशंस को ऑप्शंस के थ्रू या किसी भी और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हेज करके रखें। मुझे लग रहा है करेक्शन मार्केट में आना चाहिए। अगर वो करेक्शन आ जाता है तो वहां पे रीबाइंग या री एंट्री आप स्टॉक्स या इंडेक्स में कर सकते हैं। तो 22,800-850 मुझे लग रहा है एक रेजिस्टेंस है, वहां पे जरूर एक बार मार्केट अटकना चाहिए। नीचे 22,400-22,350 के नीचे मुझे मार्केट जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर करेक्शन होके वहां पे आता है तो एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए वापस मार्केट में री एंटर करने के। चलिए, अब थोड़ा सतर्क रहने की, थोड़ा कॉशियस रहने की इस समय आवश्यकता है। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है बाज़ार में। नीचे जाए तो दोबारा एंट्री करने की चांसेस आपको मिलेंगे। बहुत सारे दर्शकों ने अपने सवाल जो है कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही काफ़ी सारे लोगों ने भेज दिए हैं। लॉ इनफैक्ट के नाम से आज का पहला सवाल आया है। इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं कश्मीर से हूँ और मेरे पास JP पावर के 1,000 शेयर हैं। 17.20 रुपये पर इन्होंने खरीदारी की है। कह रहे हैं कितने टाइम के लिए मुझे होल्ड करना चाहिए? पावर शेयरों में लगातार अच्छी मजबूती देखने को मिली है, लेकिन क्या JP पावर के अंदर बने रहना चाहिए? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। JP पावर में भी आज जो हम देख रहे हैं 1.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। 20.25 रुपये का स्तर देखने को मिल रहा है। 17 रुपये पर इन्होंने लिए हुए हैं और इनको 3 रुपये पर शेयर का इस समय मुनाफा हो रहा है। JP पावर सर कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है आज? अक्रॉस द बोर्ड जो है, खासतौर से PSU पावर कंपनियों में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। पावर पर आपकी राय और खासतौर से JP पावर पर इनका सवाल है। विपुल जी, आपको याद होगा पूरा अप्रैल महीने में मैंने यही कहा था कि पावर और रेलवे स्टॉक्स, ये दोनों सेक्टर काफी अच्छा करेंगे। पावर ऑलरेडी अपने हाइज के आसपास है। आप कोई भी स्टॉक ले लीजिए पावर का, पावर फाइनेंसिंग स्टॉक्स ले लीजिए, पावर के जो ओवरऑल जनरेशन वाले भी स्टॉक्स ले, सब भी अपने ऑल टाइम हाइज के पास है। और अभी भी मुझे लग रहा है जिस हिसाब से गर्मी नजर आ रही है और 1 हफ्ता 10 दिन की तेजी और आपको पावर स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट 1 वीक 10 डेज में आपको पावर स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करना है, प्रॉफिट बुक करके डिक्लाइन का वेट करना है। जहां तक JP पावर की बात है, JP पावर मुझे लगा रिजल्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग थे। 2 दिन पहले इसके रिजल्ट्स देखने को मिले, 18 के आसपास भाव था, अब स्टॉक 20 के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है जिस हिसाब से रिजल्ट्स आए।
तो अपने जो भी आपने बाई किया है 18 साढ़े 18 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया अपने बाइंग प्राइस के जस्ट ऊपर, इमीडिएट तौर पर मुझे लगा है 24 के लेवल्स आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। और जहां तक ये स्टॉक राइड करता है बुलिश मोमेंटम, उसको राइड कीजिए, अपने कॉस्ट के आधा या 1 रुपया अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें। इमीडिएट टारगेट मुझे लगा है 24 के आसपास स्टॉक के रहेंगे। 24 रुपए तक के लक्ष्य जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं सर, तो अभी आप बने रहिए, यही आपके लिए सलाह है। चलिए अब जरा अगले दर्शक के पास चलते हैं, और ये सवाल हमें भेजा गया है बिहार से रंजन गोस्वामी जी की तरफ से। रंजन जी कह रहे हैं, विपुल सर अरुण सर को राम राम, आपको भी राम राम गोस्वामी जी। और ये कह रहे हैं कि इनके पास गेल के 1500 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 211 रुपये 65 पैसे के भाव पर। नज़रिया अच्छा, शॉर्ट टर्म टारगेट ये जानना चाह रहे हैं कि क्या देखने को मिल सकता है। तो अभी अगर हम देखें तो जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो 204 205 के आसपास चल रहा है, इन्होंने ले रखे हैं 211 पे, जहाँ 5-6 रुपये के नुकसान पे हैं। गेल में रिटर्न अच्छा मिला है, लेकिन सर इन्होंने थोड़े से ऊपर खरीदे हैं, क्या सलाह रहेगी क्योंकि 5-6 रुपये के नुकसान पे हैं, अभी क्या होल्ड करना चाहिए? देखिए ओवरऑल अगर आप चार्ट देखते हैं तो चार्ट पे मुझे लग रहा है एक बार का रिवर्सल जरूर देखने को मिल रहा है स्टॉक में। नीचे में मुझे लग रहा है 199 के नीचे जाएगा तो स्टॉक में वीकनेस देखने को मिल सकती है। टारगेट की जहां तक बात है 212 के आसपास के टारगेट रहेंगे। एग्जैक्ट इनका बाय प्राइस सुन नहीं पाया, पर 212 के आसपास के ही रेजिस्टेंस है, वो निकलेगा तो बड़े लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो इनकी एक स्ट्रेटेजी है, इनको जरूर फॉलो करनी है, 199 का स्टॉक लॉस जरूर मेंटेन करें क्योंकि ट्रेंड इंटैक्ट है, ट्रेंड अभी भी बुलिश है, कोई नेगेटिव रुझान अभी भी नजर नहीं आ रहा है, इसलिए 199 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 212 पहला टारगेट रहेगा, उसके ऊपर निकलेगा तो बड़े टारगेट देखने को मिल सकते। ठीक, ये 212 का लेवल ध्यान में रखिए सर, और उसी के आसपास की आपकी खरीद भी है तो वो क्रॉस करेगा तो आपको अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई देंगे। चलिए जरा अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, जावेद आलम साहब का प्रश्न है, और कह रहे हैं नमस्कार विपुल सर। नमस्कार जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। कह रहे हैं आपका प्रोग्राम बहुत शानदार है, मैं हर रोज़ आपका प्रोग्राम ज़रूर देखता हूँ, आपके इस प्रोग्राम से मुझे बहुत हेल्प मिलती है। इनके पास नेल्को के शेयर हैं, और जावेद साहब ऐसा नहीं है कि आप लोगों की टिप्पणियाँ पढ़ते नहीं हैं, कल के कार्यक्रम में भी आपने जो है शाम को जब हमने 8 बजे वो कार्यक्रम मनी मास्टर गया तो आपने कहा कि मुझसे ऐसी क्या नाराज़गी है कि मेरा सवाल नहीं लिया जाता, तो कोई नाराज़गी नहीं है सर, बस कई बार जो है सवाल ज़्यादा होने की वजह से कुछ दर्शकों के सवाल छूट जाते हैं। तो इन्होंने 258 शेयर ले रखे हैं 760 के भाव से, और अभी का जो भाव है वो 764 का है, 4 रुपये प्रति शेयर के मुनाफे पे ये बैठे हुए हैं। नज़रिया इन्होंने हमें भेजा नहीं है कि कितने समय तक ये होल्ड करना चाहते हैं, छोटी अवधि का लंबा नज़रिया है या लंबी अवधि का नज़रिया है। थोड़ी सुस्ती ज़रूर रही है सर, जिस तरीके से बाकी बाज़ार चला है पिछले 6 महीनों में 7% के आसपास का रिटर्न महज आता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है, कैसे देख रहे हैं आप नेल्को को? विपुल जी आप नेल्को की बात कर रहे हैं? नेल्को जी है जी, NELCO। देखिए जहां तक स्टॉक की बात है साइडवेज है, क्लियरली जैसा कि आपने कहा कोई बड़े रिटर्न्स देखने को नहीं मिल रहे, पर मुझे लग रहा है स्टॉक का ट्रेंड अभी भी मजबूत है, ओवरऑल इनके बाय प्राइस के आसपास ही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे में 730-720 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी नजर आ रहा है तो ये डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड करें, 730 का स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है अप ट्रेंड एक अपमूव स्टॉक में देखने को मिल सकता है, 840 तक एक बाउंस स्टॉक में आ सकता है, तो 840 के टारगेट के साथ होल्ड करें, 730 का नीचे में स्टॉप लॉस मेंटेन। ठीक, ये सलाह आपके लिए आलम साहब निकल करके आती हुई। और अब इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं सार्थक जी, सार्थक जी को नमस्कार। नमस्कार सर, गुड नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून सर, कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे हैं आप? सर गुजरात से बोल रहा हूँ, मैंने IOC का स्टॉक लिया है, 179 पे खरीदारी है, 179 तो अभी उस हाँ तो अभी उसमें पोजीशन का क्या करें, होल्ड कर या फिर एग्जिट? अभी कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप इसे? सर 6 मंथ का टारगेट क्या हो सकता है, मई जून? कितने कितने महीने का, 1 मंथ का? हाँ वो मई मंथ के लिए। मई मंथ के लिए, अच्छा अच्छा अच्छा, 1 महीने के लिए लक्ष्य जानना चाह रहे हैं आप। 173 रुपये चल रहा है अभी, और आपने किस रेट पे लिए हैं? 179। चलिए 5-6 रुपये के अभी आप नुकसान पर हैं, 173 का भाव देखने को मिल रहा है, 2.5% ऊपर है। सर क्या सलाह रहेगी आपकी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिली है घटनाक्रम को देखते हुए, अभी पिछले 6 महीनों के अंदर ये 82% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है, और काफ़ी शानदार रैली देखने को मिली IOC के अंदर, अभी क्या सलाह रहेगी, क्या करना चाहिए? ये 5-6 रुपये के नुकसान पे है, नज़रिया ही बहुत लंबा नहीं है, 1 महीने का लक्ष्य जानना चाह रहे हैं।
विपुल जी, अगेन एक डिस्क्लेमर है, ये स्टॉक हमने 174 पे रिकमेंड करके रखा है, अभी स्टॉक 172 चल रहा है, तो वो रिकमेंडेशन अभी भी ओपन है। सेकेंड चीज, एक चीज ध्यान रखनी है, कल स्टॉक के रिजल्ट्स आपको आते हुए नजर आए, वो रिजल्ट्स थोड़े मार्केट एक्सपेक्टेशन के खिलाफ थे, इसी वजह से स्टॉक आपको 168 के आसपास अभी नजर आ रहा था, फिर अगेन 172 के आसपास अभी चल रहा है। क्रूड में $5 से $6 की गिरावट 2 दिन में देखने को मिली, उसी का फायदा आज अगेन आपको देखने को मिल रहा है। अगेन रिजल्ट्स में ₹5 का डिविडेंड भी कंपनी ने डिक्लेयर किया है, तो वो भी एक चीज स्टॉक में फैक्टर होना बाकी है। तो इस स्टॉक को आराम से होल्ड करके चल सकते हैं, 185-190 तक के टारगेट्स आपको मई में जरूर देखने को मिल सकते हैं। अगर आप कैपिटल ऐड करना चाहें तो करंट ट्रेड पे ऐड भी करके चल सकते हैं, ताकि आपका एवरेजिंग प्राइस प्राइस जो है वो नीचे आ जाए। इस जहां तक शॉर्ट टर्म की बात है, 185 से 190 ये दो टारगेट्स मुझे लग रहा है आपको मई में नजर आएंगे। अगेन आप स्टॉक को होल्ड करते हैं तो ₹5 से ₹6 का डिविडेंड आपको आपके अकाउंट में भी आता हुआ नजर आएगा, तो वो उस चीज को भी आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए। चलिए, तो 185-190 तक के भाव आपको मई महीने में देखने को मिल सकते हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको आप उत्तर से संतुष्ट होंगे। और इस बीच राजू मैती जी का प्रश्न ले लेते हैं, इरेडा के ऊपर इनका सवाल है, और हर रोज ही डिस्कस कर रहे हैं खैर शेयर को, तो हम लोग करें आगे क्या करें। 113 रुपये, 183 रुपये की 183 की खरीद है या 170 की, इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, शायद 183 शेयर लिए हुए हैं 170 के भाव पर, या फिर 183 पे इन्होंने खरीदा हुआ है 170 शेयर, इन्होंने स्पष्ट नहीं किया हुआ है, आगे का भविष्य जानना चाह रहे हैं। अभी अगर हम देखें तो काफ़ी शानदार मूव यहां पर ऑलरेडी आ चुका है, अब 181-182 के आसपास चल रहा है, आज भी 2% के आसपास की बढ़त हम देख रहे हैं, पिछले एक महीने में 21-21.5% की रैली देखने को मिली है, 6 महीने में 200% से ज़्यादा का रिटर्न। सर, क्या सलाह रहेगी रेडा को लेकर के, अभी क्या अभी भी यहाँ पर क्या 200 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्या ये शेयर? जहां तक शॉर्ट टर्म की बात है, 191 का पहला टारगेट है, 191 और 198 ये दो टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए रहेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए रहेंगे। रिसेंटली नवरत्ना स्टेटस कंपनी को मिला था, वहां से आपको एक मोमेंटम स्टॉक में नजर आया, शॉर्ट टर्म में 191-198 के बीच में जरूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जहां तक थोड़ा लंबा नजरिया रखता है, तो मुझे लग रहा है 215-220 तक के भी टारगेट्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, पर प्योरली लॉन्ग टर्म व्यू रहेगा तो ही वो टारगेट्स आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे। अगेन मार्केट में करेक्शन आएगा तो ये ऐसा स्टॉक है जहाँ पे करेक्शन भी आपको देखने को मिल सकता है, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखें। जहां तक टेक्निकल्स की बात है, जिन्होंने भी शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, 191 के आसपास थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक करें, और 191 निकलता है तो 198 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक, 191, जी हाँ, और ये यहाँ पर लक्ष्य निकल करके आ सकता है, ये सर कहना है अरुण जी का। चलिए, चंदन जी का सवाल ले लेते हैं, एक और पावर क्षेत्र से जुड़ी कंपनी, आज वैसे भी अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है, और इस बीच SJVN के ऊपर इनका प्रश्न है, 76 शेयर ले रखे हैं चंदन जी ने, और ये इन्होंने लिए हुए हैं 137 रुपये प्रति शेयर के भाव पर SJVN। अभी अगर हम अभी का भाव देखें कि क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर अभी 137 रुपये के आसपास चल रहा है, 2.25% ऊपर है, और आज अक्रॉस द बोर्ड जैसा हमने बताया सभी PSU जो पावर कंपनियाँ हैं उनमें तेज़ी देखने को मिल रही है। क्या सलाह रहेगी सर, 137 पे इन्होंने लिए हुए हैं और उसी के इर्द गिर्द का भाव अभी देखने को मिल रहा है 137-135 का, अब पता नहीं आज लिए हैं या पहले से लेकर के रखे हुए हैं इन्होंने, लेकिन यहाँ पर भी एक अच्छी रैली देखने को मिली है, पिछले 6 महीनों की बात करें तो करीब 83-84% ये शेयर चलता हुआ दिखाई दिया है, अभी क्या करना चाहिए सर? देखिए अगेन विपुल जी, इत्तेफाक से ये स्टॉक भी आज हमने रिकमेंड किया है, 137 के आसपास ये रिकमेंड किया, उसी के आसपास चल रहा है, प्योरली शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड, क्योंकि एक लौता स्टॉक है जो अभी तक पावर स्टॉक में चला नहीं है, NHPC में भी आज मोमेंटम देखने को मिला, वो भी 100 के आसपास जाते वापस जाके आया, तो मुझे लग रहा है SJVN में काउंटर रहेगा जहाँ पे नेक्स्ट आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 133 का लगा है, 145-148 ये दो टारगेट्स आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। जो रिकमेंडेशन हमने दिया सेम रिकमेंडेशन अगेन शेयर कर रहा हूँ, 137 के आसपास बाय करें, अगर आपने ऑलरेडी ले रखा है तो होल्ड करें, 133 का स्टॉप लॉस रहेगा और 145-148 ऊपर में टारगेट है जी। चलिए, इस बीच अंकित जी का प्रश्न हमारे पास आया है, अंकित जी को नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर अंकित जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर आपके बगल से ही बोल रहे हैं, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? नोएडा से बोल रहा हूँ सर। कहाँ से सर? नोएडा, नोएडा। अच्छा, नोएडा से ही बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर मेरे पास लॉयड इंजीनियरिंग के 5 शेयर है, 46.75 के भाव पर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इसको होल्ड किया गया है या लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया गया है? 5-6 साल का मेरा नजरिया है,
पाँच छह साल का, चलिए अच्छी बात है। एक बार खरीद का भाव फिर से बता दीजिए जरा। 46.75। चलिए अभी तो आप अच्छे मुनाफे में हैं सर, 20 रुपए से ज्यादा पर शेयर का आपको मुनाफा यहाँ पर हो रहा है। अभी 69 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है, 0.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। सर 5-6 साल ये होल्ड भी कर सकते हैं इस शेयर को, काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है लॉयड इंजीनियरिंग के अंदर। पिछले एक महीने में 30% से ज़्यादा की रैली यहाँ पर देखने को मिली है, 6 महीने के अंदर 61% से ज़्यादा की रैली देखने को मिली है। क्या करना चाहिए, अभी रुकना चाहिए 5-6 साल, या अच्छा मुनाफा मिल रहा है एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए? देखिए अगेन विपुल जी, काफी स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल रही है और टेक्निकली मुझे लग रहा है और एक लेग ऑफ अप मूव जरूर देखने को मिल सकता है। 74-78 वहां तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है इस रैली में देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 61 के नीचे लगाए। 61 जो लेवल है इसका रिसेंट ब्रेकआउट लेवल है, उसी के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो 61 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाके होल्ड करें, 74-78 उसके बीच में आता है तो पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, एटलीस्ट अपना 50% ऑफ द प्रॉफिट जो है वहां पे बुक करके निकल सकते हैं। तो 61 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें और 74-78 तक के टारगेट से। चलिए तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। और इस बीच नितिन कुमार जी का प्रश्न आया है कि विपुल सर गुड आफ्टरनून, अरुण सर और विपुल सर की जोड़ी सलामत रहे, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। करें 10,000 रुपये निवेश करना चाहता हूँ, किस में करूँ? सर हमारा एक खास सेगमेंट है चुन चुन के, तो मैं अरुण जी से निवेदन करूँगा कि जब वो बताएं तो ये भी बता दें कि लंबी अवधि के लिए अगर निवेश करना हो तो क्या वहाँ पर किया जा सकता है कि नहीं। तो कार्यक्रम में आखिर तक आप बने रहिए, ये आपसे निवेदन है। रामवीर राठौर साहब का प्रश्न ले लेते हैं, ट्राइडेंट के ऊपर इनका प्रश्न है, कह रहे हैं कि फैन ऑफ मनी नाइन डेली व्यूअर हूँ श्रीमान जी, नमस्कार। नमस्कार आपको भी सर, और धन्यवाद कार्यक्रम को पसंद करने के लिए। ट्राइडेंट के 45 रुपये के भाव पे 2551 शेयर इन्होंने ले रखे हैं और अभी ये जानना चाहते हैं कि क्या मुझे करना चाहिए। ट्राइडेंट के ऊपर अभी कुछ एक खबर भी आई थी, उसके चलते हमने देखा था कि अच्छा मूव आता हुआ ट्राइडेंट के शेयर में देखने को मिला था। आज 0.25% ऊपर है, 39.85 का स्तर देखने को मिल रहा है, और पिछले अगर हम बात करें पिछले 5-6 महीनों की तो करीब 13-14% का ही रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। सर ट्राइडेंट को अभी क्या सलाह रहेगी आपकी, इनको क्या रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए विपुल जी, टारगेट से ज्यादा इनको स्टॉप लॉस पे जरूर फिलहाल ध्यान देना चाहिए क्योंकि ट्रेंड अभी भी साइडवेज है और थोड़ा नेगेटिव होता जा रहा है। तो 36 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, 38.9 के आसपास स्टॉक चल रहा है, 39.40 के आसपास, तो 36 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। स्टॉक 42 निकालेगा तो एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो करंट लेवल पे होल्ड करने की सलाह है। 36 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 42 के ऊपर जाएगा तो स्टॉक 47-48 तक के टारगेट दिखा सकता है क्योंकि एक रिटेल फ्रेंडली स्टॉक है और काफी लोगों के पोर्टफोलियो में आपको ये स्टॉक देखने को मिल सकता है। इसलिए एक ही चीज का ध्यान रखें, वॉल्यूम्स काफी अनइवन है। 36 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 42 और 48 के ऊपर में टारगेट रहेंगे। चलिए इस बीच हिमांशु शर्मा जी हमारे अगले दर्शक हैं यूट्यूब के माध्यम से, इन्होंने प्रश्न भेजा है, कह रहे हैं नमस्कार विपुल सर। नमस्कार हिमांशु जी आपको भी, कह रहे हैं आई लव मनी नाइन, बहुत हेल्पफुल शो है आपका, मेरे पास GIC के 30 शेयर हैं 333 के रेट पे, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्या सजेशन है मंत्री सर का? तो मंत्री सर से पूछते हैं, GIC के शेयर इन्होंने ले रखे हैं सर, 333 की इनकी खरीद है और अभी जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 343.85 रुपये के आसपास का, आज 0.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, 10 रुपये पर शेयर इनको मिल रहे हैं यहाँ पर GIC के शेयर के अंदर। अभी क्या करना चाहिए सर, क्योंकि पिछले एक महीने में 1.5% के आसपास का मूव यहाँ पर देखने को मिला है, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, क्या सलाह रहेगी आपकी? विपुल जी होल्ड करने की सलाह है, क्लियरली स्टॉक काफी अच्छा है, फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है और टेक्निकली भी मुझे लग रहा है यहाँ से एक उछाल स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 375-382 ये दो टारगेट्स मुझे लग रहा है स्टॉक में देखने को मिल सकता है, तो डेफिनेटली होल्ड करें। अपना जो कॉस्ट है उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा लें क्योंकि आपका कॉस्ट के ऊपर 1 रुपया 1.5 रुपया जो भी है एक उसका स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 333 के आसपास शायद इनकी बाइंग है, तो 334 का अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं ताकि आपका जो कैपिटल है वो इंटैक्ट रहे। पर जहां तक टेक्निकल्स की बात है मुझे लग रहा है 375 तक ये जाना चाहिए, तो एटलीस्ट एक हफ्ते 10 दिन का व्यू स्टॉक को दे, मुझे लग रहा है 30 से 35 रुपए का मूव स्टॉक में देखने को मिल सकता है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं जो कि निशांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निशांत सिन्हा जी अपना प्रश्न पूछने के लिए। निशांत जी को नमस्कार। निशांत जी सुन पा रहे हैं आप? मैं सुन पा रहा हूँ सर, आप सुन पा रहे हैं?
बस बस बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज आ रही है सर आपकी। कैसे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? सर गया से बोल रहा हूँ सर। गया से? सबसे पहले तो जी सर। अच्छा, बहुत अच्छी जगह है सर। जी सर बताइए सर, कैसे लग रहे हैं मरीन लाइन के कार्यक्रम आपको? मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। थैंक यू सर, बताइए सर क्या पूछना है? सर मेरे पास मजगांव डॉक के 100 शेयर है 2442 पे, तो आगे क्या करना है सर? मुझे ट्रेडिंग पर्पज़ से मैंने लिया था सर ये। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया था, 2442 पे आपने लिया था। ट्रेडिंग के लिए जब भी कोई शेयर लें तो एक स्टॉप लॉस अवश्य मन में ध्यान में रख लें। अब 2442 पे आपने लिया, 2370 आ गया ये शेयर, जबकि इस शेयर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना है, बहुत लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छे पैसे भी बनाए हैं। सर मझगांव डॉक रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, और अभी जो है ये इन्होंने 2400 के ऊपर की इनकी खरीद है, ट्रेडिंग का नज़रिया है, आपकी क्या सलाह रहेगी? विपुल जी डेफिनेटली होल्ड करना है। अगेन जो पावर थीम मैंने बात की थी अप्रैल में, अब ये जो थीम है डिफेंस पे बदलती हुई नजर आ सकती है मई में, तो मुझे लग रहा है मझगांव जीआरएससी तभी स्टॉक में अच्छा मोमेंटम है। नो डाउट 3 दिन से थोड़ा गिरा है, पर आज का मोमेंटम अगेन रिवर्सल के संकेत दे रहा है, तो 2470-2480 ये टू टारगेट्स के लिए डेफिनेटली होल्ड करें। अगर नीचे आता है 20-30 रुपए तो और ऐड करके चल सकते हैं, अगर कैपिटल लगा सकते हैं। मुझे लग रहा है 2480-2500 तक के टारगेट्स मझगांव डॉक में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, 2500 तक के टारगेट यहाँ पर लक्ष्य जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अनवर शेख साहब का प्रश्न ले लेते हैं, बजाज फाइनेंस के ऊपर इनका प्रश्न है, और 6724 की इनकी खरीद है, और इनके पास इन्होंने ये नहीं बताया है कितने शेयर हैं, चलिए खैर कोई बात नहीं। सर क्या सलाह रहेगी? अभी हाल ही में नतीजे आए थे बजाज फाइनेंस के, नतीजे उतने अच्छे नहीं थे जितने अच्छे की उम्मीद की जा रही थी, उसके बाद से हमने शेयर में थोड़ा सा दबाव भी आता हुआ दिखाई दिया, आज भी 0.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, पिछले 5 दिन में 5.5-6% करेक्ट हो चुका है, पिछले 1 महीने में 4.25% करेक्ट हुआ है, 6 महीने में की बात करें तो 7.5% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है, तो कुल मिलाकर के लब्बुल हुआ ये है कि इसने परफॉर्म नहीं किया है और एक दायरे में ही काम काज कर रहा है। क्या सजेशन रहेगा सर बजाज फाइनेंस को लेकर के? देखिए विपुल जी, अगेन बजाज फाइनेंस जब से इसके रिजल्ट्स आए थोड़ा साइडवेज नजर आ रहा है, पर ओवरऑल मुझे लग रहा है स्टॉक में मोमेंटम अभी भी नीचे की तरफ ही नजर आ रहा है। जहां तक टेक्निकल्स की बात है, ऊपर में जब तक ये स्टॉक 7000-7050 के ऊपर नहीं निकलता, एक बेरिश कह सकते हैं इसमें एक पैटर्न बना है, तो जब तक ये स्टॉक 7100 या 7050 के ऊपर ना निकले इसको बाय करने की सलाह नहीं है, क्योंकि ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, नीचे में 6700 या 6600 तक स्टॉक आ सकता है, इसलिए जिनके पास भी है बेटर है आप 60 एक बार का किसी भी उछाल पर निकल जाए, और फ्रेश बाइंग करना है तो 7100 के ऊपर ही करना चाहिए। जी तो ये फिलहाल राय यहाँ पर निकल करके आ रही है आपके लिए सर। और इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और ये प्रश्न आया है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर के, दीपक जुगाट जी ने प्रश्न हमें भेजा है, और कह रहे हैं कि 390 रुपये पे इन्होंने खरीदा हुआ है, 20 शेयर इनके पास हैं, होल्ड करें या फिर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? 390 पे इन्होंने लिया, क्या नतीजे आए सर? मुनाफा कंपनी का डबल से ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, और क्या शानदार रैली यहाँ पर देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों के अंदर, आज भी हम देख रहे हैं कि 4% से ज़्यादा ऊपर ये शेयर ट्रेड करता हुआ, 390 पे लिए थे, 625 का भाव अब आता हुआ दिखाई दिया है, लिस्टिंग काफ़ी शानदार, फिर रिजल्ट आए, रिजल्ट काफ़ी शानदार, और उन तमाम कारणों की वजह से इस शेयर में अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या अभी होल्ड करना चाहिए इनको जना स्मॉल फाइनेंस बैंक? विपुल जी थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक करें, स्टॉक में मोमेंटम काफी अच्छा है, रिजल्ट्स के साथ बड़ा मोमेंटम जरूर देखने को मिल रहा है, पर एटलीस्ट 30% ऑफ द जो अपना प्रॉफिट है उसको जरूर बुक करें। ज्यादा टेक्निकल्स की बात है, ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड है, नीचे में सपोर्ट काफी नीचे है, 550 के आसपास इसका टेक्निकल सपोर्ट नजर आ रहा है, तो एक बार का प्रॉफिट जरूर बुक करें, जो भी आपने बाई किया एटलीस्ट 30% ऑफ द प्रॉफिट बुक करें, बाकी के जो स्टॉक्स है 550 के ट्रेलिंग स्टॉक के साथ होल्ड करें, क्योंकि मोमेंटम पॉजिटिव है, हो सकता है थोड़ा बहुत एक्सटेंड आपको मोमेंटम होता हुआ नजर आए, ऊपर में 680-690 तक के मुझे लग रहा है एक बार का एक्सटेंशन आ सकता है, तो जितना हो सके स्टॉक में एक बार का 30% का प्रॉफिट बुक करें, बाकी 550 के ट्रेलिंग स्टॉक के साथ होल्ड करके चलें। ठीक, चलिए ये थोड़ा बहुत मुनाफा अवश्य बुक कर लें, ऐसा ना हो कि आप खाली मुनाफा जो है अपने स्क्रीन पर ही देखते रहें। चलिए ट्विंकल जी का सवाल लेते हैं, ट्विंकल पटेल जी ने सवाल भेजा है, और इनका सवाल है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर, और कह रहे हैं इनके पास 600 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 258 रुपये पे इन्होंने खरीदे हुए हैं, कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या होल्ड करना चाहिए, बढ़ेगा कि नहीं सर,
या क्या फिर एग्जिट करना चाहिए? लंबी अवधि के लिए मैंने लिया था, तो लंबी अवधि के लिए लिया था तो इतना घबराने की आवश्यकता ट्विंकल जी आपको नहीं है। शेयर ने काफ़ी शानदार मूव दिया है और पूरे इस डिफेंस शेयर के क्षेत्र के अंदर हमने देखा काफ़ी अच्छा मूव आता हुआ दिखाई दिया था। इस बीच जो है यहाँ पे अगर हम भाव की बात करें तो ये करीब 0.25% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। 228-229 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इन्होंने सर 258 पे लिया हुआ है तो इनको 20-30 रुपए का नुकसान हो रहा है, इसलिए परेशान है। लंबी अवधि का नज़रिया बता रही हैं। इस शेयर में भी सर रैली तो अच्छी देखने को मिली लेकिन अभी थोड़ा सा एक दायरे में कामकाज कर रहा है, आपकी सलाह क्या रहेगी? तो बोलिए स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, वन ऑफ द कैंडिडेट है डाइवेस्टमेंट के टारगेट्स कैंडिडेट्स में भी इसका नाम है, तो मुझे लग रहा है स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। टेक्निकली एक छोटा रेजिस्टेंस 235 के आसपास है, मुझे लग रहा है वो रेजिस्टेंस आपको इजीली निकलता हुआ नजर आएगा, तो ये स्टॉक डेफिनेटली होल्ड वाले कैंडिडेट्स में। स्टॉप लॉस लगाए 220 के नीचे, 220 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। एक बार स्टॉक 235 के ऊपर निकलेगा तो इसमें बड़ा मोमेंटम आपको 260 तक आता हुआ नजर आ सकता है, तो 235 पहला टारगेट है, उसके ऊपर निकलेगा तो 260-265 तक की टारगेट देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकली पॉजिटिव है, पॉजिटिव लग रहा है, इसलिए एग्जिट की राय नहीं है, 220 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ठीक, चलिए, तो जो स्टॉप लॉस दिया बताया गया आपको स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखना है आपको। चलिए हमारे साथ अगली दर्शक हमारी जुड़ गई हैं, नेहा जी हमारे साथ मौजूद हैं। नेहा जी को नमस्कार। नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून सर, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। कहाँ से बोल रही हैं आप? दिल्ली से? दिल्ली, यस यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसी है नेहा जी और बताइए कि क्या? सर मैं बहुत अच्छी हूँ सर, आपके प्रोग्राम से काफी हेल्पफुल होते हैं, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल जी। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी कार्यक्रम देखने के लिए और उसकी सराहना करने के लिए। और क्या सवाल है आपका मैम? सर मेरा क्वेश्चन सर एनएलसी इंडिया और पीटीसी में है, मतलब मुझे दोनों में से कौन सा स्टॉक चूज करना चाहिए फॉर 1-2 मंथ परस्पेक्टिव सर? 1-2 मंथ? हाँ जी, हाँ जी सर, थोड़ा कंफ्यूजन। अच्छा चलिए ठीक है, वैसे कोशिश ये करिए कि थोड़ा सा और लंबा नजरिया रखिए क्योंकि अभी चल रहा है इलेक्शन का टाइम, अभी जो है रिजल्ट्स का टाइम, तो ऐसे में कोई भी करेक्शन, और बाजार बिल्कुल पीक पर है, ऐसे में कोई भी करेक्शन जो है ना वो जो है आपकी जो स्ट्रेटजी है वो गड़बड़ा सकता है। लेकिन चलिए मैं इसी नज़रिए के साथ अरुण जी से सवाल करता हूं और उनसे पूछते हैं कि उनका क्या व्यू यहां पर है। पीटीसी इंडिया में आज पूरे पावर क्षेत्र में सरकारी कंपनियों में शानदार तेज़ी है, इसमें भी देखने को मिल रही है 3% से ज़्यादा की तेज़ी यहां पर देखने को मिल रही है। एनएलसी इंडिया 0.5% से ज़्यादा की, 0.5% के आसपास की बढ़त यहां पर 243 का भाव देखने को मिल रहा है। सर कन्फ्यूज़न में है ये, इन दो में से किसे चुने, 1-2 महीने का इनका नज़रिया है? जी दोनों में ही कंपैरिजन करते तो एनएलसी इंडिया मुझे लग रहा है काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। दो ट्रांचेस में इनको बाय करें, जैसा कि आपने सही कहा वोलेटाइल टाइम्स आने के लिए तैयार है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1 महीना हम दूर है इलेक्शन रिजल्ट्स के आउटकम के आसपास, तो जैसे ही 10-12 तारीख निकलेगी आपको मार्केट में बड़े बड़े वोलेटाइल मूव देखने को मिलेंगे, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। करंट लेवल पे भी एनएलसी इंडिया को बाय करें, एक ट्रांस जो है नीचे में 235 आता है तो वहां पे और ऐड करके चले, करंटली 243 के आसपास है, तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, स्टॉप लॉस इनको लगाना है तो 227 के नीचे इनको स्टॉप लॉस लगाना है, 243 के पास थोड़ा बाय करें, 235 के आसपास आता है तो वहां पे और ऐड करें, 1-2 ट्रांचेस में बाय करने की सलाह रहेगी। ये स्टॉक ओवरऑल बुलिश है, ऊपर में मुझे लग रहा है 275-280 तक के टारगेट्स नेक्स्ट 2-3 महीने में देखने को मिल सकते हैं, तो 2 ट्रांचेस में बाय करें, 227 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 275-280 के ऊपर में टारगेट रहेंगे, तो मुझे लग रहा है एनएलसी इंडिया अगर 2-3 महीने का व्यू है तो काफी अच्छा कर सकता है। एनएलसी इंडिया अगर इन दो में से ही चुनना है तो एनएलसी इंडिया पे ही आप दांव लगाइए, ये फिलहाल आपको सलाह यहाँ पर अरुण जी की तरफ से दी जा रही है। एक दर्शक हमारे हैं किंग फैशन के नाम से आईडी इन्होंने बनाई हुई है, इब्रार शायद नाम है इनका जो कि इन्होंने लिखा है, कह रहे हैं विपुल सर आई एम आस्किंग क्वेश्चन सिंस ए वीक, प्लीज़ टेक माई क्वेश्चन। बिल्कुल सर आपका सवाल आज शामिल कर लिया जा रहा है, कह रहे हैं BHEL के शेयर जो है इनके पास हैं और BHEL के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 207 रुपए के भाव पर, 200 शेयर, कह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए? तो BHEL के शेयर पर ज़रा एक नज़र डाली जाए तो काफ़ी शानदार मूव आज देखने को मिल रहा है और सुबह सुबह कार्यक्रम शुरू होने के साथ ही हमने बता रहे हैं कि आज PSU पावर कंपनियों में शानदार मूव है और 4.25% ऊपर ये शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ, 293 का भाव, 1 महीने में 16.25% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला, पिछले 6 महीने में 125% का रिटर्न यह सर यहाँ पर आते हुए दिखाई दिया है, लगातार जो है ये शेयर जो है नई ऊंचाइयाँ छूता हुआ दिखाई दे रहा है।
अभी सर क्या करना चाहिए? इन्होंने जो भाव पे लिया हुआ है उससे ऊपर काम काज कर रहा है, 207 पे इन्होंने लिया हुआ है और 293 का भाव आ चुका है, कहाँ मुनाफा बुक करना चाहिए BHEL में? अगेन विपुल जी, स्टॉक अपने फ्रेश ऑल टाइम हाइज के आसपास है, आज भी एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 300 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, तो अनचार्टेड टेरिटरी अगर एक्सटेंशन निकालते हैं तो 323 335 ये दो टारगेट्स अगेन निकल के आ रहे हैं, तो 335 के टारगेट के साथ होल्ड करने की सलाह रहेगी। एक ही चीज का ध्यान रखें, स्टॉक काफी चल चुका है और इनके बाइंग प्राइस के ऊपर भी है, तो 272 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, 272 का ब्रेकआउट लेवल है, उसके नीचे जाएगा तो जो भी रिटर्न्स बने हैं वो हो सकते हैं फिजल आउट होते हुए नजर आए, तो 272 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होल्ड करें, 315 और 335 ये दो ऊपर में टारगेट है। ठीक, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई। इस बीच हमारे एक दर्शक का, अगले जो दर्शक हैं जिनका प्रश्न आया हुआ है वो आया है रोहित जी का, कह रहे हैं राम राम विपुल जी, राम राम आपको भी, कह रहे हैं कि आप हमारे जैसे नए निवेशकों के मार्गदर्शक हैं, प्लीज़ आप अपना व्यू मॉस्चिप पर दें, मैंने 600 शेयर ले रखे हैं, 125 रुपये के भाव पर एवरेज किए हुए हैं, लॉन्ग टर्म का नज़रिया इनका है, 125 पे लिए हुए हैं आपने और आज जो 6% की तेज़ी मॉस्चिप टेक्नोलॉजी में देखने को मिल रही है और 158 का भाव देखने को मिल रहा है, तो यहाँ इनको अच्छा खासा मुनाफा आता हुआ दिखाई दे रहा है मॉस्चिप टेक्नोलॉजी के अंदर। सर एक महीने के अंदर 64% का रिटर्न सर इस शेयर के अंदर देखने को मिला है, अगर आप ट्रैक करते हो तो आपकी राय जानना चाहेंगे कि क्या कुछ घट रहा है यहाँ पर जिस वजह से इतनी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। विपुल जी, अगेन डेली ट्रैकिंग तो नहीं है पर काफी लोगों के क्वेश्चंस मॉस्चिप के रिलेटेड आए, क्योंकि सेमीकंडक्टर के जब जब बात होती है मॉस्चिप की वहां पे बात होती है, एग्जैक्टली फंडामेंटल्स तो ज्यादा ट्रैकिंग नहीं है पर टेक्निकली काफी वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं और एक रिट्रेसमेंट अगेन देखने को मिल रहा है, तो 142 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें जिस हिसाब से आज का कैंडल बना है और वॉल्यूम्स जिस हिसाब से नजर आ रहा है वापस 175 तक वापस ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है, तो 175-180 तक के टारगेट्स रहेंगे, 140 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें और जिस हिसाब से वॉल्यूम्स और चार्ट नजर आ रहा है मुझे लग रहा है एक लेग ऑफ रैली वापस स्टार्ट हो सकती है और 180 तक ऊपर में स्टॉक जा सकता है, तो 140 के ट्रेलिंग स्टॉप पर होल्ड करके चल सकता है। चलिए, तो ये सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई। और इस बीच अगला प्रश्न हमारे पास जो आया है वो आया है PFC को लेकर के, शर्मा जी ने भेजा हुआ है सवाल, नाम ही यूट्यूब आईडी इन्होंने शर्मा जी के नाम से ही बनाई हुई है, नाम अपना बताया नहीं है, तो शर्मा जी नाम भी बता दीजिए अपना, कह रहे हैं कि PFC में नई खरीदारी करना चाह रहे हैं, अब क्या आज की जो 6% की रैली है 6.25% की, उसके बाद क्या नई खरीदारी की जा सकती है? 469-470 के आसपास ये शेयर जो है वो ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, एक महीने में 15-16% और पिछले 6 महीने में 82% का रिटर्न आ चुका है, फ्रेश एंट्री के लिए क्या ये जगह रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से कैसी दिखाई दे रही है सर आपको? जी, अपने ऑल टाइम हाइज के पास है, 475 के हाइज है, उसी के हाइज आज भी आपको आते हुए नजर आ रहे हैं, तो करंट लेवल पे लॉन्ग करने की सलाह डेफिनेटली नहीं है, जैसा कि आपने कहा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल नजर पे नहीं आ रहा, वापस एक रिट्रेसमेंट 450 तक वहाँ स्टॉक में जरूर देखने को मिल सकता है, तो 450-445 के आसपास मिलता है तो वो अच्छे एंट्री लेवल्स रहेंगे, यहाँ पे अगर आप एंट्री करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस जो है 430 के आसपास बैठेगा, जो कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 10% का आपका स्टॉप लॉस है, इसलिए ऐसे ट्रेड में ना बने जहाँ पे स्टॉप लॉस आपका काफी बड़ा बैठ रहा है, तो 450 के नीचे मिलता है, 450 के आसपास भी मिलता है तो वहां पे स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। थोड़ा नीचे आ जाने दीजिए सर, थोड़ा इंतजार कीजिए क्योंकि बहुत शेयर चल चुका है, अब इतना भागने के बाद आपने भाव देखा और उसके बाद से तुरंत अगर आप पीछे पड़ जाएंगे तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर नुकसान हो जाए, ये राय आपके लिए फिलहाल निकल करके आती हुई। अमर सिंह जी का प्रश्न आया है, कह रहे हैं कि विपुल सर नमस्कार और धन्यवाद मार्केट की जानकारी देने के लिए, एक हेल्प हमारी भी कर दीजिए, बता सकते हैं कि सेल में एंट्री कब बनती है, लंबी अवधि के लिहाज से क्या अभी ले सकते हैं? मेटल पैक में निश्चित रूप से पिछले अगर हम देखें तो अप्रैल महीने में शानदार रिकवरी आती हुई दिखाई दी है, बहुत सारे शेयरों ने अच्छे रिटर्न दिए, आज अगर हम सेल की बात करें तो 1% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है, पिछले एक महीने में 12-13% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है, पिछले 6 महीनों में ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिखाई दिया है, सर सेल में फ्रेश एंट्री कहाँ बनती है? जहां तक फ्रेश एंट्री की बात है 160 के आसपास इसकी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, 160 जो है अब इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन नजर आ रहा है जहां से एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट नजर आया, तो 160-161 के आसपास आता है तो फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। अगेन एक चीज का ध्यान रखना है, मेटल्स अपने नेक्स्ट बुल रन में आ चुका है और यहां से मुझे लग रहा है
नेक्स्ट 5 से 6 महीने मेटल स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम आ सकता है। तो अगर आप 6 रुपए ऊपर भी बाई करने का रिस्क ले सकते हैं तो करंट लेवल पे भी कर सकते हैं। 160 158 आता है तो वहां पे और ऐड भी करें। मुझे लग रहा है ओवरऑल स्टॉक अच्छे मोमेंटम में है और 180 प्लस तक के टारगेट्स आपको मई या मई एंड तक देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली बाय करने की सलाह, डिप पे और ऐड करें, 160 के आसपास आता तो ऐड भी कर सकते हैं। 185 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है मई मंथ में ही आपको देखने को मिल सकते हैं। 185 तक के टारगेट में एंड में आपको देखने को मिल सकते हैं। इस बीच चूंकि पावर शेयरों में लगातार रैली देखने को मिल रही है तो सवाल काफ़ी ज़्यादा हैं। और धर्मेंद्र कुमार जी जानना चाह रहे हैं PFC के बारे में। सर थोड़ी देर पहले ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है तो आप अभी कार्यक्रम समाप्त होने के बाद थोड़ा पीछे जाके देखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। हाँ, REC के ऊपर आपका सवाल ले लेते हैं। REC जिन्होंने 439 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं। कनिका जी का भी सवाल REC को लेकर के है, वो भी जानना चाह रही हैं कि REC में अभी क्या करना चाहिए। REC पे सर 2-3 सवाल आए हुए हैं, आपकी सलाह क्या रहेगी यहाँ पर REC को लेकर के? यहाँ पर आज खबर भी है, अभी बजिंग स्टॉक्स में भी इसको डिस्कस करना है, लेकिन चूंकि दर्शकों के सवाल काफ़ी ज़्यादा हैं तो एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं। आज 8-8.5% ऊपर 550 का लेवल, अभी क्या किया जा सकता है सर? अगेन विपुल जी, फ्रेश एंट्री के लिए तो गाड़ी निकल चुकी है क्योंकि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 3 दिन में स्टॉक 100-120 रुपए के आसपास का मूव दिखा चुका है। ऑलमोस्ट 440-450 के आसपास ब्रेकआउट देखने को मिला। देन अगेन रिजल्ट्स कल के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आए, वहीं से वापस मोमेंटम कैरी हुआ और आज ये स्टॉक अगेन 8% ऊपर है। तो काफी लोगों की प्रॉफिट बुकिंग भी हमने भी कराई क्योंकि स्टॉक हमने PFC रिकमेंड करके रखा था, साथ में REC भी। REC के रिजल्ट के बाद दोनों में मोमेंटम काफी अच्छा है, इसलिए करंट लेवल पे बाय करने की सलाह नहीं है। अगेन 520-510 का रिट्रेसमेंट आता है तो वहां पे बाय करके चल सकते हैं, इसलिए करंट लेवल पे जिन्होंने भी बाय करके रखा है उनको होल्ड करें। जिनको भी फ्रेश बाय करना है 520 के आसपास आता है तो वहां पे बाय करके चल सकते। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा सर। और इस बीच करीब 700 दर्शक जो है इस समय हमारे साथ YouTube पर लाइव जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे ऐप और हमारे Facebook पेज पे भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप सभी से निवेदन है कि जितना ज़्यादा संभव हो सके लिंक को जो है अपने जो तमाम ग्रुप्स आपके रहते हैं ऑफिस के, घर के, फ्रेंड्स के, उसमें शेयर कीजिए ताकि और ज़्यादा लोगों को जो है तक पहुँच बन सके कार्यक्रम की, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुँचे। इसलिए आप लोग अब इस Money9 के मंच को आगे बढ़ाने का काम शुरू कीजिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। और अगला प्रश्न जो हमें भेजा गया है वो भेजा गया है पुनीत पटेल जी के की तरफ से भेजा गया। इन्होंने सर शेयर का नाम करें पराग मिल्क। अच्छा, पराग मिल्क के शेयर इन्होंने ले रखे हैं। इनके पास 100 शेयर हैं, 267 के भाव पर। उन्होंने कहा कि अभी क्या करना होगा, बहुत टाइम से होल्ड करके रखा हूँ, ये शेयर चल नहीं रहा है। सर ये सवाल ले लीजिए। सर जब ये सवाल आप करें तो ये भी बताया कीजिए कि किसकी सलाह थी पराग मिल्क में ख़रीदारी करने की? क्या ये आपने खुद से रिसर्च की थी या फिर किसी मित्र के कहने पर लिया गया? आज 0.5% के, 0.5% के आसपास की गिरावट है। 210 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है और 267 पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है, तो ठीक ठाक नुकसान यहाँ 57 रुपये पर शेयर का इनको होता हुआ दिखाई दे रहा है। भविष्य कैसा लग रहा है सर? पिछले एक महीने में हमने देखा 3% के आसपास का निगेटिव रिटर्न है, पिछले 6 महीने में 2% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। हालांकि रैली काफ़ी शानदार रही थी लेकिन जब ये गिरना शुरू हुआ तो फिर संभाल नहीं पा रहा। बिल्कुल जी, डेफिनेटली रैली तो काफी अच्छी थी। अगेन मल्टीपल जोन जो सपोर्ट है उसी के आसपास स्टॉक आ चुका है। 200 से 195 से 200 इसी के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसके नीचे जाएगा तो अगेन मल्टी वीक या मल्टी मंथ सपोर्ट इनके ब्रिज होते हुए नजर आ सकते हैं। तो किसी भी उछाल पे एग्जिट कर दे, उछाल अगर आता है तो 235-240 तक एक उछाल देखने को मिल सकता है। 195 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें क्योंकि एक बड़ा कैपिटल या कह सकते हैं बड़ा डाउन साइड इन्होंने ऑलरेडी देख लिया है, इसलिए 15 रुपए का और ये रिस्क लेके चले क्योंकि 195 जो है मल्टी मंथ सपोर्ट है, उसके नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है। तो 195 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या कह सकते हैं फाइनल स्टॉप लॉस आप लगा के रखें। 195 के नीचे जाएगा तो बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर उछाल आता है तो 235-240 तक जा सकता है, वहां पे एक बार की अपनी पूरी पोजिशन से एग्जिट करें।